सभी का स्वागत है एक और नए और रोचक वीडियो में। सांप हमेशा से ही अपने विविधपूर्ण रंग, लंबाई, आकार और कई सारी विशेषताओं के साथ हमें आकर्षित करते रहे हैं। दुनिया भर में 3000 से अधिक सांपों की प्रजातियां पाई जाती है, जिनमें से कई जहरीले होते हैं। आज हम ऐसे ही एक प्रजाति के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो अपने लंबाई और जहर प्रणाली के चलते काफी चर्चित और लोगों के दिलों में डर पैदा कर देती है। आज हम बात करेंगे लंबे आकार और जहरीले किंग कोबरा के बारे में। सबसे लंबे जहरीले सांप का खिताब घातक किंग कोबरा को दिया गया है। यह विशालकाय सांप ज्यादातर वर्षावन और एशिया के घने जंगलों में पाए जाते हैं। बहुत ही कम ऐसे जानवर हैं जो इस विशाल किंग कोबरा का रास्ता काटने की हिम्मत कर सकते हैं। आइए इसके बारे में जुड़ी कुछ रोचक तथ्यों पर नजर डालते हैं, जो हमें किंग कोबरा को और बेहतर तरीके से समझने में मदद करेंगे। साइंटिफिक नाम ऑफायोफिगस हैना। किंगडम एनिमालिया। फैमिली अलैपिडाई। सब फैमिली अलैपिने। जीनस ऑफायोफिगस। अपना नाम किंग कोबरा होने के बावजूद यह एक असली कोबरा नहीं है, जिनका जीनस किंग कोबरा से अलग है। किंग कोबरा का अपना जीनस ऑफायोफिगस है। अनुवंशिक सबूत बताते हैं कि वे असली जीनस के कोबरा की तुलना में अफ्रीका में पाए जाने वाले मैम्बो प्रजाति के सांप से अधिक मेल खाता है। शारीरिक रूप से बहुत सी ऐसी विभिन्नता हैं जो किंग कोबरा को असली कोबरा से अलग करती हैं। उनकी त्वचा काले, गहरे भूरे या ऑलिव ग्रीन रंग की होती है, जिसके तने पर काले, सफेद या पीले रंग की धारियां होती हैं जो सिर तक होती हैं। सिर काले किनारों वाले कवच से ढका हुआ होता है। इसके ऊपरी जबड़ों में दो नुकीले दांत होते हैं, जिससे वह काटने पर अपने शिकार के अंदर जहर छोड़ते हैं। इनकी बड़ी आंखें और गोल पुतलियां होती है। जैसा कि अन्य सभी सांप छिपकली, मेंढक, चूहों का शिकार करते हैं, यह विशाल किंग कोबरा विशेष रूप से अन्य सांपों का भोजन करना पसंद करते हैं। इसलिए इसके जीनस का नाम ऑफायोफिगस है, जिसका अर्थ है सांपों का भक्षक। छोटे अजगर और दूसरे जहरीले सांप भी इसका शिकार हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि वे केवल दूसरे सांपों को ही खाते हैं, वे दूसरे सांपों की तरह अन्य छोटे स्तनधारी जानवर, चूहे, मेंढक भी खाते हैं। उनके चबाने वाले दांत नहीं होते, इसलिए वे अपने शिकार को पूरा निगल लेते हैं। दुनिया भर में सभी जहरीले सांपों की प्रजातियों में किंग कोबरा सबसे लंबा जहरीला सांप है। एक वयस्क किंग कोबरा 10 से 12 फीट के विशाल आकार तक पहुंच सकता है, जिसका वजन 6 किलोग्राम तक हो सकता है। पकड़े गए सबसे भारी किंग कोबरा का वजन 12 किलोग्राम दर्ज किया गया है। अब तक का सबसे लंबा किंग कोबरा 19.2 फीट का है। उकसाए जाने या खतरा महसूस होने पर किंग कोबरा खुद को बड़ा और खतरनाक दिखाने के लिए अपने शरीर का अगला हिस्सा जमीन से 6 फीट तक ऊपर उठा सकता है। इसकी ऊंचाई इतनी होती है कि यह एक औसत लंबाई वाले इंसान के आंखों से आंख मिलाकर देख सकता है। किंग कोबरा अपने आप को और अधिक खतरनाक दिखाने के लिए फन फैलाता है। वास्तव में यह अपने गर्दन में होने वाली मांसपेशियों और पसलियों को फैला देता है और जोर से फुफकारता है। इसकी फुफकार की आवाज इतने भयंकर होती है कि इसकी तुलना गुस्सेल जर्मन शेफर्ड प्रजाति के कुत्ते से की जा सकती है। यह अपने शरीर को उठाने के साथ हमला करने के लिए आगे भी बढ़ सकता है। इस वजह से लोगों को इसकी हरकत का अंदाजा नहीं होता और यह सांप पलक झपकते ही काट लेता है। यह हमला करने पर कई बार काट सकता है। किंग कोबरा का जहर मुख्य रूप से न्यूरोटॉक्सिक होता है, जो तंत्रिका तंत्र पर हमला करता है, जिससे शरीर में पैरालिसिस हो जाता है। एक बार काटने पर यह 420 मिलीग्राम तक जहर अपने शिकार के अंदर छोड़ सकता है। अक्सर जल्द ही उपचार न मिलने पर यह कुछ ही मिनटों में एक वयस्क इंसान को मार सकता है। सबसे जहरीले सांप इंग्लैंड टाइपन की तुलना में किंग कोबरा कम विषैले होते हैं, फिर भी इनका जहर इतना शक्तिशाली होता है कि एक हाथी को डसने पर 3 घंटे के भीतर मार सकता है। अन्य सांपों की तरह किंग कोबरा की भी जीभ दो भागों में बटी हुई होती है, जिसके माध्यम से वे अपने शिकार के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। प्राकृतिक आवास में किंग कोबरा 20 साल तक जीवित रह सकते हैं।
वे दिन के समय सबसे अधिक सक्रिय होते हैं, वे ड्यूरिनल होते हैं। सूर्यास्त के बाद वे लकड़ी के ढेर या अन्य छिपने के स्थानों के नीचे आश्रय लेना पसंद करते हैं। यह एकमात्र ऐसे सांप है जो अंडे देने के लिए घोंसला बनाते हैं। औसतन मादा किंग कोबरा 40 से 50 अंडे देती है। वह अंडों में से बच्चे निकलने तक उनके साथ घोंसले में रहती है, जिसकी कालावधि 60 से 85 दिन तक हो सकती है। तो यह थी कुछ जानकारी दुनिया के सबसे लंबे जहरीले सांप किंग कोबरा के बारे में। ध्यान रखें, सांपों को बचाएं, कभी भी सांप को बिना प्रशिक्षण पकड़ने की कोशिश ना करें, सांपों को ना मारें, सांप के काटने पर तुरंत अस्पताल पहुंचे, सांपों का अवैध व्यापार गैरकानूनी है। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आया। कृपया लाइक शेयर और बेल आइकॉन के साथ सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको हमारे आने वाले हर नए वीडियो के बारे में नोटिफिकेशंस मिलती रहे।